वोट चाहिए तो हमें चाहिए 5 लाख। सोसाइटी सेक्रेटरी ने विधायक के सामने रखी अजीबोगरीब मांग। क्या चुनाव बन गया है सिर्फ अवैध वसूली का काम? कौन उड़ा रहा है लोकतंत्र का मजाक? लोकतंत्र में सबसे बड़ा त्योहार और सबसे खूबसूरत पर्व होता है चुनाव, जब मतदाता नेता और उम्मीदवार को उसके काम और चरित्र की कसौटी पर जांच परख कर मतदान करता है और आने वाले 5 सालों के लिए अपना जन प्रतिनिधि चुनता है। इन दिनों चुनाव प्रचार अपने अंतिम दिनों में है और हर उम्मीदवार अपने तरीके से मतदाता को लुभाने का प्रयास कर रहा है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं मीरा भाईंदर 145 विधानसभा क्षेत्र की, जहां फिलहाल विकास कामों और मुद्दों से ज्यादा चर्चा पैसों और वोट के बदले नोट की हो रही है। बताया जाता है कि यहां एक उम्मीदवार ने चुनाव जीतने के लिए कुबेर का खजाना खोल दिया है, लेकिन इस बीच कुछ ऐसी भी तस्वीरें सामने आई है जिसमें कुछ तथाकथित वोट के सौदागर मौजूदा विधायक और बीजेपी के अधिकृत उम्मीदवार नरेंद्र मेहता से जनता के वोटों का सौदा करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को देखिए जिसमें स्थानीय विधायक मीरा रोड के गौरव गैलेक्सी कॉम्प्लेक्स में प्रचार के लिए पहुंचे हैं, लेकिन जब तक वो जनता से मिलते और अपनी बात रखते उसके पहले ही सोसाइटी के सेक्रेटरी उनसे सौदेबाजी में लग गए हैं। हम भी मानते हैं कि आप एकदम खड़े हैं और आगे भी चल के खड़े रहेंगे, लेकिन सर देखो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। खुल के बोलता हूँ सर, देखो फेडरेशन का जो डिमांड है, जिस लास्ट टाइम 51,000 बीजेपी ने दिया था, इस बार हमारा डिमांड है 5 लाख, तो आप क्या कर सकते हैं? चिंता मिली ऐसा कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है, आप आए उसके लिए बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। इस वीडियो में सोसाइटी के सेक्रेटरी सीधे तौर पर 5 लाख की मांग कर रहे हैं। वीडियो में विधायक अपने विकास काम गिना रहे हैं, लेकिन सोसाइटी सेक्रेटरी को तो विधायक से 5 लाख की आस है, लिहाजा वो खुलेआम अपनी मांग को रख रहे हैं। हालांकि नरेंद्र मेहता ने सीधे तौर पर उनकी इस अवैध वसूली की मांग को खारिज कर दिया और वहां से निकलकर जनता के बीच वोट की इस दलाली का खुलासा कर सबको चौंका भी दिया। 51,000 बीजेपी ने दिया था, इस बार हमारा डिमांड है 5 लाख, तो आप क्या कर सकते हैं? गौरतलब बात यह है कि हाल ही में नरेंद्र मेहता ने अपनी ही पार्टी के एक नगर सेवक मॉरिस रॉड्रिक्स पर भी वोट के बदले 50 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया था, लेकिन तब कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं रखा था। इस बार सबूत खुद ब खुद सामने आ गया है कि किस तरह लोगों ने इसे जनता का शिष्टाचार बना दिया है, पहले नोट और फिर वोट। 51,000 बीजेपी ने दिया था, इस बार हमारा डिमांड है 5 लाख, तो आप क्या कर सकते हैं? हालांकि इस बात की चर्चा शहर में आम थी कि एक निर्दलीय उम्मीदवार सिर्फ पैसों के बल पर लोगों के वोट खरीदने का पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद ये साफ हो गया है कि धन बल के जरिए लोगों को गुमराह किया जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई मतदाता अपना वोट बेच रहा है या सोसाइटी पदाधिकारी उसकी मतों की बोली लगा रहे हैं? इस सवाल का जवाब तो अब जनता को ही देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट।